हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? मैं आपका दोस्त द रॉक रमेश गुर्जर फ्रॉम सिंगापुर। तो गाइस, आज वीडियो लेके आया हूँ। ज़्यादा खास वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो इंडिया में बैठे हैं उनके लिए, सबके लिए वीडियो खास रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर लास्ट तक देखना। इस वीडियो को मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जिसका बवाल मच रखा है सोशल मीडिया के अंदर। बहुत सारे लोगों को वो डर सता रहा है, और हम लोगों को है तो वो अफवाह एक, लेकिन मैंने वो अफवाह सुनी तब मेरे अंदर थोड़ा सा खुशी फील हुई मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिंगापुर में हूँ अभी, और जो इंडिया में है उनके लिए वो न्यूज़ थोड़ी सी बैड है ना। वो खुशखबरी नहीं है, वो दुख खबरी है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करूंगा मैं एंड के अंदर करूंगा। वो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तब वो क्लियर होगा आपका। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर कोई ज़्यादा खास तो नहीं बताऊंगा, बस मैं गुरुद्वारे गया था खाना खाने के लिए। तो खाना खा के मैं अभी जा रहा हूँ मैं काम पे, क्योंकि मैंने एक खुशखबरी आपको बताई नहीं मैंने, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही है। मुझे आपको बिलीव नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले रखा जिसके अंदर मुझे छुट्टियाँ मिलती है। लास्ट मंथ में एक महीने के अंदर 12 दिन की छुट्टियाँ मिली थी, और इस मंथ के अंदर जैसे मुझे 25 दिन की छुट्टियाँ मिल रखी है, ठीक है। 6 अगस्त को मेरा कॉलेज ऑफ हुआ था, मेरी क्लासे ऑफ हुई थी, और अब मेरी कॉलेज स्टार्ट होगी 1 सितंबर को। टाइम चेंज हो गया मेरी कॉलेज का। पहले मेरे कॉलेज का टाइम 1 बजे से 4 बजे का था, अब मेरे कॉलेज का टाइम हो गया 9 बजे से 12 बजे तक। और आप लोगों को पता ही है कि मैं जो अर्निंग करने जाता हूँ, जहाँ मेरा टाइम है वो 4 बजे से रात 12 बजे तक है, तो टाइम का कोई लोचा है ही नहीं। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ सिंगापुर के अंदर, बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। एनवायरनमेंट बढ़िया है सिंगापुर का, ठीक है ना। देखो मैं गौरा भी हो गया सिंगापुर के अंदर आके, क्या बात है। देखो मैं चौराहा बताता हूँ आपको, सिंगापुर का बहुत ज़बरदस्त ये चौराहा, बड़ा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे खड़ा होके हमेशा यहीं पे पिक लेता हूँ, और सोशल मीडिया पे यहीं से अपलोड करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है ना। बढ़िया लगता है ये इलाका मेरे को। तो मैं सिंगापुर के अंदर ऑटरम पार्क इलाके के अंदर रहता हूँ। ट्रेंट ग्लोबल कॉलेज मेरी कॉलेज ट्रेंट ग्लोबल कॉलेज है मेरा नाम कॉलेज का। और अभी मुझे सिग्नल मिला हुआ है कि आप रोड पार नहीं कर सकते हैं, तो रेड सिग्नल में मैं घुस नहीं सकता। मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे ग्रीन लाइट मिल जाए तो मैं निकलूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश है मेरी, इस वीडियो को शेयर कर दो यार। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इतने लंबे टाइम से वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है बंदे की यार, जब लाइक नहीं आते हैं, शेयर नहीं मिलते हैं, ठीक है, और व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है ना। आप शेयर करोगे तब जाके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अभी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं यार, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को आपके पास में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर डाल दो, ताकि मैं बहुत सारी न्यूज़ लेके आता हूँ सिंगापुर को लेके। और तो वो एक न्यूज़ है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, बड़ी अच्छी न्यूज़ है। उस न्यूज़ के बारे में आपको बताऊँ, मुझे हंसी आई, मैं 5 मिनट के लिए अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि यार ये कैसी न्यूज़ है, ठीक है। अगर ये हकीकत हुई तो बल्ले बल्ले हमारी, तो क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सिंगापुर में ही हैं। और अगर ये न्यूज़ सच हुई तो इंडिया वालों के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी बात पे मैंने 5 मिनट तक एंजॉय किया उस न्यूज़ को, क्योंकि वो एक अफवाह की तरह है, ठीक है ना। वो फालतू की न्यूज़ है, मैं चाहूँगा तो नहीं आपको बताना, लेकिन क्लियर कर ही देता हूँ 110% वो न्यूज़ फेक है। और वो न्यूज़ कौन सी है वो मैं बताऊँगा वीडियो के एंड में, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ सिंगापुर के अंदर सब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स है वो दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखो सिंगापुर की ये बस है, सिंगापुर के अंदर इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चलती है, बाय गॉड कलर ही है, बल्ले बल्ले यार क्या गाड़ी है। मैं जब इस गाड़ी के अंदर फर्स्ट बार बैठा, इस बस के अंदर बैठा, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर वाले मंजिल में चल के बैठते कैसा फील होता है। तो मैं ज़्यादातर ट्रैवल ऊपर करता हूँ, ऊपर बैठता हूँ इसको,
अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई होती है इसकी ना। देखो आपको सिंगापुर के अंदर जो अपार्ट्स है वो दिखाता हूँ, इतने अच्छे अच्छे है ना रोड। बाय गॉड इतनी चौड़ी रोड यार, उधर उधर रोड के उस साइड में खड़ा आदमी छोटा सा दिखाई देता है, इतनी चौड़ी रोड है यहाँ पे, ठीक है ना। और सिंगापुर के सेंट्रल इलाके के अंदर मैं रहता हूँ, जहाँ सिंगापुर का जो मैन पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है। ठीक है, और ये अभी मैं जा रहा हूँ अपने वहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ मैं अभी वहाँ। मेरा टाइम 4 बजे का है, अभी टाइम हुआ नहीं है, बट मुझे टाइम मिल गया तो मैंने कहा, काफ़ी दिन हो गए लोग वेट कर रहे हैं। और एक मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा आपसे, आप लोग यार इंस्टाग्राम के अंदर इनबॉक्स के अंदर इस तरीके से लग जाते हो मेरे से सवालों पे सवाल कि मैं जवाब ही नहीं दे पाता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ जवाब देते देते। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने लग जाते हो यार, जो एक्चुअल के अंदर जो क्वेश्चन है वही किया करो यार, कुछ भी पूछ लेते हो यार, कुछ भी जिसका जवाब देने में मुझे जोर आता है कि यार इस सवाल का क्या जवाब दूँ, फालतू के अंदर बेतु के सवाल मत किया करो, ठीक है। और अब मेरे पास में थोड़ा वीडियो, मैंने वीडियो बनाने लगा हूँ यूट्यूब पे, तो ऑब्वियसली थोड़ा ट्रैफिक मिलने मिला लगा है सिंगापुर यहाँ पे। मेरे इंस्टाग्राम के अंदर जो इनबॉक्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैसेज आने लगे, तो मैं हर टाइम इंस्टाग्राम को खोल के मैसेज का जवाब नहीं दूंगा, मुझे जब टाइम मिलता है मैं रूम पे जाता हूँ तब जवाब दे दूंगा। अब मैं लगा लेता हूँ अब थोड़ा सा बन जाते हैं, मास्क लगा लेता हूँ, मास्क लगाना ज़रूरी है भाई, नहीं तो चूना लग जाता है यहाँ। मास्क नहीं लगाया तो चूना लगाया सिंगापुर ने आपको भाई, मास्क लगाना ज़रूरी है तो फॉर्मेलिटीज बट करनी पड़ती है, ठीक है। मास्क भी लगा लिया और